हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीआई, REST API जो हम यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके प्रीवियस जो है लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम REST API को किस तरह हम गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। और हमने कुछ एक मॉडल क्लास बनाई थी, उसको हम मॉडल क्लास को हमने यूज़ करके हमें अपने डाटा जो हमारे पास जेसन की फॉर्म में आया था हमने उसको डीकोड करके अपनी जो है UI या डिज़ाइन बोल सकते हैं जिसके अंदर उसके अंदर जो है हमने उसको यूज़ किया था। तो आज हम देखेंगे कि बाकी का जो हमारी लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स API होती है, उसके अंदर कुछ डाटा एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा होता है, उसको हम किस तरह करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्टमैन है वो हम किस तरह यूज़ करते हैं और एक्चुअल में पोस्टमैन होता क्या है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे हमें यहाँ पे अपना कोई भी आपने ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है गूगल। तो एक दफ़ा ये कंप्लीट गूगल, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन आ जाएगा। एक्चुअल में ये हमारा एक तरह का क्लाइंट होता है जिसके थ्रू जो है हम अपने जो APIs को हैं हम डाटा चेक करते हैं कि वो हमारे पास किस तरह का था, और यहाँ से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल है पोस्टमैन। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द पोस्टमैन? लेट मी सर्च। ओके, सो वो यहाँ पे नहीं है। वेयर इज डेस्कटॉप एंड दिस इज पोस्टमैन। तो ये हमारा पोस्टमैन है, इस पे सिंपली आपने कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो एक दफा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं इसका यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे जो है ये पोस्टमैन हमारी इंस्टॉलेशन जो है इसकी वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल, इसके बाद ये साइन इन मांगेगा, वो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लगा हुआ है तो मैं वीडियो को स्टॉप करके मैं जो है अपना वो वाला अकाउंट जो है मैं वो लगा दूँ जी। तो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अकाउंट लॉग इन हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाती है, वर्क स्पेस, और यहाँ पे गेट स्टार्ट, क्रिएट अ टीम और क्रिएट अ न्यू। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम बहुत सी हमारी चीज़ें हैं जब जो हमें काम होगा वो यहाँ पे सिंपली, तो 1-2 सेकंड आप वेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट कॉपी हेड लिंक अनलिंक, यहाँ पे हम बहुत से ऑपरेशन जो है हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी API को चेक करना है वो API आया कि वर्किंग में है भी या नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मैंने अपना ओपन किया हुआ है, मैंने वो जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो हमारा वो फेक जो हमें जेसन बना के देते हैं, ये यहाँ पे वो वाला है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा यूजर्स के अंदर, तो ये यूजर्स का सारा डाटा जो है ये मुझे दे देगा। और यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करूँगा, और कंट्रोल सी करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, पेस्ट कर दूंगा वो वाला जो हमारा लिंक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंड, क्योंकि हमने डाटा गेट करना है तो हम मैं यहाँ पे गेट कर रखूंगा। इसके बाद मैं सेंड करूंगा, सेंडिंग करने के बाद इसका जो, मैं इसको एक दफा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। सेंडिंग करने के बाद यहाँ पे देखे उसने मुझे ये सारे का सारा डाटा जो भी है ये मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह हमारा ये काम करता है पोस्टमैन। जिन लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली जो जो भी एक डेवलपर होते हैं, अच्छे डेवलपर्स होते हैं प्रोफेशनल वे में जो काम करते हैं, वो पोस्टमैन को जो है वो जो API को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि आया कि API काम कर भी रही है या नहीं कर रही, तो इसलिए काम करते हैं। अब हमें एक और चीज़ देखनी कि आज हमने सबसे पहले देखना कि जेसन को हम रीड किस तरह कर सकते हैं। रीड करने के लिए जो मैं इस पे यहाँ पे एक दफ़ा बैक आ जाता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम वो किया था आई थिंक पोस्ट पोस्ट नहीं पोस्ट पर, हाँ जी बिल्कुल ये किया था। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हैं, पे इसका मतलब है कि ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक क्लास बनेगी और उसके अंदर सारा डाटा आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे यूजर्स के अंदर आके देखूँ तो ये मुझे जो है ये वाली पैरेंथेसिस, ये जो है ये यूज हो रही है, ये वाली ब्रैकेट्स यूज हो रही है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ये यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो इसके इसको मैं हिट करूंगा तो इसके अगेंस्ट में जो मुझे डाटा मिलेगा वो मुझे लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा।
ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करने वाली, मोस्टली जो है न्यू डेवलपर्स होते हैं वो जेसन को डीकोड करने में बहुत ज्यादा, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा सफर होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं लग रही होती कि हमें किस तरह पता चलता है कि हमारे पास डाटा अब लिस्ट की फॉर्म में आना है या खाली एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आना है। हाँ, अगर ये डाटा यहाँ से लेकर जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज दिस, ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं हमारे पोस्टमैन की तरफ आता हूँ, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर हमारा डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आना होता तो हमारे पास डाटा लिस्ट की फॉर्म में नहीं होना था, वो हमारे हम जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाते और उसके अंदर ये सारा डाटा हमारा फेंक देते। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है हमारे पास जितना भी डाटा आएगा वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटस दिखा रहा है 200 ओके, इसका मतलब ये 200 का ओके का मतलब ये कि हमारी एपीआई जो है 100% वर्किंग में है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इनको मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे मैं अपना जो है हमारा इंटेलिजी वो ऑन कर लूंगा और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक जो है न्यू प्रोजेक्ट है मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ एसआरसी फ्लटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लटर एपीआई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Part 2, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, और इसको मैं सिंपली फिनिश कर देता हूँ। एक दफा ये हमारा कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो सिंपल एज यूजुअल जो है आज मैं कुछ डिपेंडेंसीज भी यूज करूंगा और आपको यूज करना बताऊंगा कि हम डायनेमिकली जो है अपनी मॉडल क्लासेस हम किस तरह बना सकते हैं और वो डाटा हम गेट करके किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एज यूजुअल मैं इसको सारे को रिमूव कर दूंगा, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे वही मैं जूम इन कर देता हूँ, इम्पोर्ट एंड फ्लटर मटेरियल, जस्ट अ सेकंड, पोस्टमैन को हमारा क्लोज कर देता हूँ। पोस्टमैन का बस आप लोगों को नो हाउ देना था कि पोस्टमैन क्या होता है और हम ये क्यों यूज करते हैं, और ये मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग डेवलपर बैकएंड पे काम करते हैं वो ये चीज यूज करें, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आपके बहुत से एरर्स जो होते हैं या बहुत से इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते होते हैं। एक दफा ये एनालाइजिंग हो जाए तो फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, एनालाइजिंग कंप्लीट होगी, फ्लटर मटेरियल और जस्ट सेकंड, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे मैं वाइड मेन जो है मैं वो कॉल करूंगा, और इसको जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन वो रन है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमी कॉलर। मैं थोड़ा सा मजीद जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक स्टेटलेस क्लास, स्टेटलेस क्लास, और उसका नाम होगा माई ऐप। माई ऐप को मैंने आपको बार बार मेरे ख्याल में हर एक क्लास में बताता हूँ कि माई ऐप को हम अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं रिफैक्टर में जाके। कॉन्स्ट माई ऐप की लाजमी है क्योंकि की से ही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है और की हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होती है, तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू में पास कर दूंगा माय ऐप की। अब लेट्स सपोज ये कंटेनर है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न मटेरियल ऐप, ये मटेरियल ऐप हो जाएगा हमारा, और इसके बाद यहाँ पे मैं मुझे एक चाहिए होगा टाइटल, और इसको मैं दे दूंगा लेटर एपीआई Part 2। यहाँ पे हमें एक होम चाहिए होगा जो एक विजिट एक्सेप्ट करेगा, और होम के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी करता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ मेन सक्री। यहाँ पे मैं एक डार्ट की फाइल बनाऊंगा, उसका नाम भी मैं मेन सक्री दे दूंगा, और सिंपल एज यूजुअल मैं पहले जूम इन कर देता हूँ, इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल, और यहाँ पे मैं एक दफा स्टेटलेस बना रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जब हमने एपीआई अपनी को हिट करना है और उसको डाटा जो गेट करना है उसके लिए, उसके बाद मैं इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दूंगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा मेन स्क्रीन, यहाँ पे ये आ गई, और यहाँ पे ये, यहाँ पे की, और यहाँ पे मैं और यहाँ पे सेट कर दूंगा होम सेक्रेटरी। ओके, इसको मैं कॉन्स्ट एक दफा सेट कर देता हूँ तो वो हमारा ये सारे
ओके, होम स्क्रीन यहाँ पे जो है हमारे पास एक आ जाता है, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे स्कैफर्ड। स्कैफर्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी आ जाती है, और बॉडी के अंदर हम बाद में पहले हम एप बार अपनी सेट करेंगे, एप बार। और एप बार के अंदर जो मेरे पास जो डाटा है वो टाइटल, और इधर मैं लिख लूंगा टेक्स्ट लेटर एपीआई पार्ट टू, और इसको मैं कॉस्ट सेट कर दूंगा। ओके, तो कॉस्ट सेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बॉडी आ जाएगी। बॉडी में जो हमारे पास, मैं एक दफा जो हमारा डाटा है मैं उसको एक दफा मजीद देख लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्ले करने के लिए, मैं सिर्फ दो चीजें ही शो डिस्प्ले करवाऊंगा। एक तो हमारा ये जो होगा, मैं इस तरह में इसको डिजाइन करेंगे कि सिर्फ स्टार्ट में एक लिस्ट स्टाइल होगी, और लिस्ट स्टाइल के अंदर सिर्फ दो चीजें शो हो जाएंगी, एक नेम हो जाएगा और एक ईमेल हो जाएगा। ठीक है, जब यूजर इस पे टैप करेगा तो आगे जाके उसको हम एक और कार्ड बना लेंगे जो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा होगा, और उस कार्ड के ऊपर जो है का ये बाकी की सारी डिटेल्स जितनी भी है वो हमारी डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये जो है बॉडी आ गई हमारी। अब बॉडी आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लिस्ट में डाटा आना है। तो एक दफा मैं लिस्ट व्यू, और यहाँ पे मैं चिल्ड्रन ले लेता हूँ, और चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट टाइप, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइटल। जस्ट मैं इसको एक दफा कॉन्स्ट सेट कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारा एपीए की जानब आएगा तो ये हमारा कॉन्स्ट इसका रूम हो जाएगा टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम, यूजर नेम, और इसके बाद आ जाएगा सबटाइटल। और सब टाइटल के अंदर मैं ये टेक्स्ट को ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हैंग देता हूँ, और हैंगने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ये लिस्ट व्यू है अभी, ये भी बाद में लिस्ट व्यू बिल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी एक लिस्ट स्टाइल बन जाएगी, और एंड पे मैं बल्कि ना लीडिंग ट्रेलिंग ट्रेलिंग आइकन construct आई डोंट नो ये फ्लटर के साथ क्या इशू आया है, लेटेस्ट वर्जन के साथ ये आइकन की सजेशन नहीं दे रहा। होपफुली ये इसका अवेलेबल हो, नहीं ऊपर मैं करता हूँ। ओके, तो वो हमें सजेशन देगी। ओके, तो मैं यहाँ पे हमारा एज यूजुअल जो है हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर, मैं इसको एक दफ़ा क्लीन इसका रैप सारा क्लीन करके इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एमुलेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसको आगे मैं मजीद कंटिन्यू कर दूंगा। तो जब तक एमुलेटर स्टार्ट होता है, एक तो मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा एक सेमिनार अटेंड हो जाए, जिसमें जितना मैक्सिमम लोग हो सके वो आए फ्लटर के बारे में नो हाउ के लिए, उनको मैं फ्लटर के बारे में नो हाउ बताया जाएगा कि फ्लटर क्या चीज़ है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। और सेकेंडली जो है, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मैं मोस्टली हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपके पैसे नहीं लगते लेकिन मुझे एक अच्छी सपोर्ट हो जाती है। तो काइंडली मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सा इतना सा कर दें, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कॉमेंट मैं लाजमी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताएं अगर कोई चीज़ इम्प्रूव होने वाली है, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा बेटर तौर पर आप लोगों को बताऊँ। ओके जी, तो हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो गया, और इसको मैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ तो ये किस तरह हमारे पास विजिबल होगा। ये कभी डिटेक्ट कर लेगा। ओके,
ओके, तब तक जब तक ये इसका होता है तब तक मैं जो है हमारा जो पैकेजेस आज हमने यूज करने हैं वो HTTP, एक तो वो यूज करना है हमने फ्लटर के लिए। फ्लटर के लिए ये जो है हमारा HTTP पैकेज है, एक तो आज हम ये यूज करेंगे। और इसके नीचे कमेंट दे के मैं रिमूव कर देता हूँ नेटवर्क रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं HTTP पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद दो और डिपेंडेंसीज है, वो यहाँ पे फ्लटर टेस्ट जो लिखा हुआ है ना डेव डिपेंडेंसी, वो यहाँ पे पेस्ट होगी। वो यहाँ पे क्यों पेस्ट होगी, इसलिए कि जो वो डिपेंडेंसी वो रन टाइम पे डिटेक्ट करती है चीजें, जो चीजें रन टाइम पे डिटेक्ट करती वो जो हम यहाँ पे इसके नीचे रखेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो हम किस तरह रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये एक दफा कंप्लीट हो ले हमारा ये एमुलेटर वाला प्रोसेस, तो इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, इसको एक दफा हम इग्नोर करेंगे, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, एक दफा कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, एक तो ये डिपेंडेंसी हम यूज करेंगे, दूसरा है जेसन सीरियलाइजर इन्फ्लेटर। ये एक जो है सीरियलाइजर है, ये हमारे लिए क्या काम करता है, हम एक छोटी सी कमांड रन करेंगे, वो कमांड रन करने से साथ क्या करेगा, ये हमारा जो है ऑटोमेटिकली हमारी मॉडल क्लास जो है वो बना देगा। इसको हमने जस्ट पैरामीटर्स बताने होंगे कि जी, ये पैरामीटर्स हैं, इनको आपने क्या करना है, जनरेट करना है, वो जनरेट कर देगा, और जनरेट करने के बाद हम सिंपली उनको क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर देंगे। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है पर्सन, और इसका ये सारा तरीकाकार बताया हुआ है कि आपने ये फैक्ट्री करना है और ये इस तरह करना है, तो ये मैं, हम अभी इसको यूज करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि ये किस तरह करेंगे। ये पेरीमीटर नॉट करेक्ट हो गया, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूँ, नल सेफ्टी इसके साथ जेसन सीरियलाइजेबल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी डिपेंडेंसी को साथ में, और पब स्पेक यमल, और ये फ्लटर एसडीके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, वो बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा पीछे ले लो, ठीक है। एक ये, और इसके साथ एक और यूज होती है हमारे पास डिपेंडेंसी जेसन एनोटेशन। एनोटेशन के लिए हमें एक बिल्ड रनर जो होता है जेसन पैकेज डॉट जेसन एनोटेशन, हमें एक ये यूज करना पड़ेगा, और इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे फेंक सकता हूँ। क्योंकि ये रन टाइम पे नहीं होगा। ओके, और इसके बाद जस्ट सेकेंड, जेसन एनोटेशन भी हो गए, जेसन सीरियलाइजेबल और जेसन एनोटेशन की। ओके जी, एनोटेशन वैल्यू एक और होता है हमारा बिल्ड रनर, वो भी मैं हमें जो है यहाँ पे वो हमें चाहिए होगा, तो वो भी हम इसको अभी इंपोर्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड रीलोडिंग। ओके, वो दिखा रहा है। ओके, लेफ्ट है, इसको मैं जरा लेफ्ट, ओके तो ये हो गया, और इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, साइज इसका मैं कर देता हूँ 20। ओके, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा फिजिकल हो गया, यूजर नेम और ईमेल, ये सारा डाटा आ गया मेरे पास, टाइटल और सब टाइटल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं पब गेट में आता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एक दफा पब गेट, ताकि वो हमारे HTTP का जितना भी सारा काम है और वो सारा हो जाए। और जब तक वो पब गेट हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी डायरेक्टरी बना लेता हूँ, एक तो मैं नाम रखता हूँ जितना सर्वर, जिसके अंदर हमारा वो रिक्वेस्ट वाला काम होगा, और एक बना देता हूँ मॉडल क्लास।
मॉडल्स, एक मॉडल्स का, और सर्वर के अंदर मैं एक जो है न्यू डार्ट फाइल बना देता हूँ सर्वर के नाम से, जो हमारा रिक्वेस्ट सर्वर होगा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया जूम इन, और जूम इन करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली इसका नाम रखूंगा यूजर रिक्वेस्ट सर्वर, यूजर रिक्वेस्ट सर्वर। ओके, तो यहाँ पे एज यूजुअल जो हमने पिछली दफा काम किया था, मैं पहले थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ। एक हमारे पास होगी स्ट्रिंग यूआरएल, या एपीआई इसको बोल देंगे, या मैं सिंपली करता हूँ यूआरआई, इसका नाम मैं यूआरएल रख दूँ, इज इक्वल टू यूआरआई डॉट ट्रेस, ट्रेस करूँगा। और यहाँ पे मैं ये जो हमारी ये जो चीज़ है इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, और ये हमारा काम कर देगा। अब ये हमारा एसिंक है, क्योंकि एसिंक क्यों है मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ। अगर आप लोग ये डायरेक्टली ये मेरा सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो मैं आई बटन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो दोनों चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यू आर ई फ्रेज हो गया, और इसके बाद हमें एक काम करना है, इंपोर्ट पैकेज HTTP HTTP डॉट, और इसको करना है अलियास एस, मैं HTTP लिख देता हूँ, या हम रिक्वेस्ट सर्वर के नाम से लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी, आप लोगों ने जिस तरह लिखना है आप उस तरह कर सकते हैं। अच्छा, वो हमें सजेशन दे रहा है, ठीक है आप लिखने इसको इस तरह करें, और यस छोटा कर, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको मैं सिंपली HTTP ही कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं। ओके, और यहाँ पे मैं एक हमारे पास वेरिएबल लूंगा वार, और इसको मैं रखूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू HTTP डॉट गेट, क्योंकि हमने डाटा सिर्फ अपना गेट करना और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा URL, बस सिंपली और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा अवेट, क्योंकि जब तक उसका कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो क्या करेगा, इस वेरिएबल को लगा के रखेगा वेटिंग में। ये चीज़ें मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में बता रही हूँ, या मैं दोबारा आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मैं बोलता हूँ, जो हमने वो उसके अंदर देखा था पोस्टमैन के अंदर, इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ 200। अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 है तो क्या करो, मेरे लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जो है, वो जो रिस्पॉन्स की रिक्वेस्ट है वो एक दफ़ा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आप लोगों को डिस्प्ले करवाने के लिए। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करेंगे तो वो जितना भी उसका यूज़र का जो हमने गेट किया था हमारे डाटा, वो सारा मेरे रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारा कुछ रियल टाइम पे होता है, तो इसको मैं जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे रिफैक्टर टूल, यहाँ पे जनरेट का एक होता है, यहाँ पे इसकी एक शॉर्टकट की होती है, वो उसको हम यूज करते हैं, सिंपली हम यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ट्राई फाइनल डू वाइल, यहाँ पे हमें वो सारी ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने इसको किसके सराउंडिंग करना है, तो मैं यहाँ पे इसको दे दिस ट्राई एंड फाइनल ट्राई कैच, मैं इसको ट्राई कैच में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टू डू के नीचे प्रिंट कर दूंगा हमारी जो एक्सेप्शन अगर आएगी, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अगर प्रिंट प्रिंट का मैं ये थोड़ा सा इशू देता है, हम यहाँ पे लॉग जो है ना वो यूज कर सकते हैं, लॉग डॉट डी वो एंड्रॉयड के अंदर, यहाँ पे लॉग और यहाँ पे मैं ई पास कर दूंगा, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक इम्पोर्ट फाइल है, ये इम्पोर्ट बोलेगा कि आप इसको इम्पोर्ट कर लें,
लेकिन खैर हम यहाँ पे इसकी जगह प्रिंट ही यूज़ करेंगे, और प्रिंट का मैं थोड़े से वो सजेशन देता है, ग्रीन लाइन आती है लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं। ओके तो ये वाला हमारा काम हो गया। अगर हमारा डाटा जो है वो कोई HTTP हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, फिर वो हमें इशू देगा। ओके तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है हमारा मेन फाइल और देयर इज स्टार्ट सर्वर, तो हमारे सर्वर को एक दफ़ा मैं यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। और चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हमारा मेन स्क्रीन है और इसको जो हमारा स्टेट लेस है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था ये स्टेट फुल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ एक फंक्शन है जो स्टेट फुल में अवेलेबल है, इनट स्टेट। ये आ गया हमारे पास इनट स्टेट। इनट स्टेट स्क्रीन स्टार्ट होने से पहले का जो फंक्शन कॉल होता है वो यहाँ पे होता है इनट स्टेट। यहाँ पे अब हमारी जो उस सर्वर है उसका क्या नाम था, यूजर रिक्वेस्ट सर्वर, हम वो यूज कर देखते हैं। यूजर रिक्वेस्ट सर्वर उसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करूंगा, क्योंकि हमारा वाई टाइप का एस एच और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको ना रीलोड करके देखता हूँ। यहाँ पे भी अभी ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं है मिलेगा। ऐसे नहीं, इसको दोबारा करें। इसको मैं करता हूँ टर्मिनेट। अब ठीक है, क्योंकि वो सारा रीलोड होने की वजह से वो डिस्प्ले नहीं दे रहा था सही से लॉग, इसलिए मैं टर्मिनेट करके दोबारा इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, हमें कुछ भी डिस्प्ले में नहीं मिलेगा। सिंपली इसको मैं ऐसे ही क्लोज किया हुआ है, तो वो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट होगी। ओके तो ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास सारा जितना भी डाटा है हमारा वो हमें इसने यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दिया जो मैंने प्रिंट करवाया। ओके तो अब जो मेन काम हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मॉडल क्लास के साथ। अब हमने देखना है कि इसको डायनेमिकली हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बनाते हैं यूजर मॉडल, और यहाँ पे मैं एक जूम इन कर देता हूँ, क्लास यूजर मॉडल सिंपली। ओके अब यहाँ पे देखे तो मैं इसको जो है ना एट्रीब्यूट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं जस्ट एड्रेस तक मुझे चाहिए होगा, बल्कि एड्रेस तक ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैं सिर्फ वो वाली चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम डिस्प्ले करवाएंगे, इसको ज़्यादा इतना बड़ा लेके नहीं चलेंगे। यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ये वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठीक है, मुझे ये मिल गया, और ये चीजें लाने के बाद जी मुझे फोन नंबर, ओके तो फोन नंबर, फोन नंबर तो सेम एडिट आ जाएगा, और ये नीचे कंपनी का कुछ डिटेल वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले व्हाट इज दिस, ओके मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, और सेकंडली मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। ये सारा मैं करूँगा सिलेक्ट ऑल, ये जितना भी, और इसको कर दूंगा कमिट। कमिट करने के बाद हमारा इशू रिजॉल्व। ओके यहाँ पे आईडी जो है नंबर वन है, मतलब वो हमारी इंटीजर है, इन आईडी सेमीकॉलन, ये हो गया। साथ साथ मैं ये जो इसके कमेंट हुआ हुआ है मैं वो रिमूव करता जाऊंगा। ओके ये नेम आ जाएगा स्ट्रिंग नेम। ओके नेम मैं एक ही यूज करूंगा, ये जो नेम है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसकी जगह मैं ये जो हमारी वैल्यू होगी यूजर नेम वाली मैं वो रखूंगा। मैं सिर्फ तीन चार जो है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है
मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर विद इन लिस्ट हमारे पास किस तरह आएंगे, जिस तरह ये एड्रेस है ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डाटा आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल भी हमारे पास क्लियर होगी। इसको नेम मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं इसको यू नेम कर देता हूँ, ये मैं इसका यू इस्तेमाल कर देता हूँ और नेम का एंड कैपिटल कर दूंगा यू नेम, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने यूजर नेम लिया। ओके, अब नीचे ये एक एड्रेस है, एड्रेस के अंदर और चीजें यूज हो रही है, एड्रेस को मैं स्किप कर देता हूँ। एड्रेस को मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं चाहिए हमें। ओके, तो वेबसाइट यहाँ पे मैं कंपनी ले लेता हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर डाटा है और यहाँ पे कंपनी, अब हम किस तरह बनेगी कंपनी के लिए, हम एक अलग से मॉडल क्लास बनाएंगे, जो हमारी कंपनी के लिए एक अलग से मॉडल क्लास होगी, उसके अंदर सेम एज इट हम ये वाले जो पैरामीटर है वो पास करेंगे, और वो क्या होंगे, वो हमारे डिकोड होंगे। मैं यहाँ पे एक मॉडल एक और बना लेता हूँ, कंपनी मॉडल। ओके, यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ, क्लास कंपनी मॉडल, कंपनी मॉडल का आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बाकी वेबसाइट वगैरह का जो है मैं वो डिलीट कर दूंगा, जस्ट मैं कंपनी को यहाँ से करूँगा कट, इसको मैं एक दफा ले आऊंगा इधर। ओके, तो कंपनी के अंदर क्या क्या आ रहा है, कंपनी के अंदर हमारे पास आ रहा है एक स्ट्रिंग नेम, जो हमारा कंपनी नेम होगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ सी नेम। अपनी मर्जी से वेरिएबल्स के हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन सी नेम ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा कैच फ्रेज, मैं इसको सेम एडिट या से लिख देता हूँ, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा, ये मैं कॉपी कर से। और ये बी एस, ये भी मैं इस तरह, और ये बी एस सेमी कॉलम, और ये हमारे पास स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि इसको एक दफा मैसे ही रहने देता हूँ, और इधर मैसे रहने देता हूँ। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब हमने एक डिपेंडेंसी हमने यूज की है जेसन एनोटेशन की, अभी हमने इसको एनोटेट करना है यूजर को, और यहाँ पे मैं पहले एक बनाऊंगा कंपनी मॉडल, और यहाँ पे पास कर दूंगा कंपनी मॉडल, सेमी कॉलन लगा दूंगा, यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा एनोटेशन एट नेम, ओके, ये मुझे बोलेगा कि एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज द इशू। ओके, तो यहाँ पे जो हम इसको एनोटेट करेंगे एट जेसन की, एट जेसन की लिखूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एनोटेशन की जो है वो यहाँ पे मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, मैं इसको एक दफा इंपोर्ट कर लेता हूँ एट, ये आ गया हमारे पास सजेशन में जेसन की, मैंने जेसन की किए तो वो हमारे पास एनोटेशन भी आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या क्या पास कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज पास करनी है, नेम, नेम मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा और सेमी कॉलन, नहीं सेमी कॉलन नहीं, ऐसे ही सिंपल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो है यहाँ पे मैं प्रिंट करता जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, लेकिन यहाँ पे हमें ये आईडी नहीं देनी, यहाँ पे मैंने नेम देना है, जो हमारे इसका होगा आईडी, की जो होगी हमारी की वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पे यू नेम है, यू नेम की बजाय मैं वेयर इज आवर दिस यूजर नेम मैं वो दे देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट यूजर नेम, वो इसको ऑटोमेटिकली सारे को सेट कर देगा। और आईडी की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको क्या चाहिए कंपनी मॉडल, और इसको मैं नेम दे दूंगा लेट मी चेक अगेन कंपनी, वेर इज कंपनी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ
और इस की के अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। एक दफा ये कंपनी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास ये जेसन है, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपली वो फैक्ट्री, सबसे पहले तो हमने इसका करना है कंस्ट्रक्टर सेट। सबसे पहले हम इसका करते हैं कंस्ट्रक्टर सेट, यूजर मॉडल ये और ये सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, ये डिफाइन हो जाएगी, और दिस डॉट यूजर नेम, नेम इज इक्वल टू, मैं डिफॉल्ट दे देता हूँ एबीसी। फिर दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू एबीसी एट द रेट ऑफ एग्जाम्पल डॉट कॉम। दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू 0। दिस डॉट कंपनी मॉडल, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, सिर्फ सिंपली मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। एक दफा इसको क्या कर देगा, सेट कर देगा, नल कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ कि खैर है, कोई मसला नहीं, अगर एक दफा ना एक चीज वैल्यू नल भी आ गए तो हमें कोई इशू नहीं है। ये वाला काम हो गया। अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है एट जेसन सीरियलाइजेबल, सिंपल, और मैंने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। मैं बुलियन आया नहीं, मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ये सिर्फ कुछ भी नहीं, मैं सिंपल स्टार्ट में मैंने एज जेसन सीरियलाइजेबल कॉल कर दूंगा। सेम एज इट यही चीज जो है मैं इंप्लीमेंट करूंगा हमारे इसके अंदर, तो कंपनी के अंदर वही सिंपल एट जेसन की और नेम, और यहां पे आ जाएगा नेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे वो जो हमारा सिंपल वही चीज मैं यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पे ये चीज दे दूंगा बी एस, और यहाँ पे बी एस। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ इजीली। बी एस करने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो मेरे पास आएगा। अब मैंने कंपनी का मॉडल सेट करना है, कंपनी मॉडल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल है, हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर सेट करें या ना करें। अगर कंस्ट्रक्टर सेट नहीं करना तो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है मैं वो लगाता जाऊंगा, तो वो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क, वो मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, वो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मैं जो है इसका कंस्ट्रक्टर बना भी सकता हूँ और ना भी बनाऊँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें कंस्ट्रक्टर बना लेना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। कंपनी मॉडल और यहाँ पे ये, सॉरी, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। दिस डॉट बी एस इज इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि हमारे पास हर चीज स्ट्रिंग है। दिस डॉट कैच फ्रेजर इज इक्वल टू ए बी सी एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ये हो गया, इश्यूज एक दफा रिजॉल्व हो गया हमारे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल वगैरह वो करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताया, वो ये वाला काम कर ली। ये कुछ दो लाइनों का कोड है, ये हमने करना है कॉपी। ये और ये हमने दो लाइनों का कोड कॉपी करना है। ये वाला कोड जब हम मैं कॉपी कर लूंगा, और देयर इज यूजर मॉडल, ओके, तो इसके ये कंस्ट्रक्टर के नीचे से हमने ये कर देना है सेट। यहाँ पे पर्सन की बजाय हमारा आ जाएगा यूजर मॉडल, यूजर मॉडल और फ्रॉम जेसन। यहाँ पे भी पर्सन की बजाय मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये दो तीन जगह यूज होगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। फ्रॉम जेसन की बजाय मैं इसको सेट कर दूंगा यूजर मॉडल। यूजर मॉडल ये हमें अभी एरर दे रहा है, वो हम इसको देखते हैं कि वो हम इसको किस तरह से, टू जेसन की बजाय पर्सन की बजाय का, तो यहाँ पे मैं इसको ये सेट कर दूंगा, और ये मैं इसको कर दूंगा यहाँ से रिमूव। ये हमारा इतना काम हो गया। दिस इज एक्स्ट्रा, ओके। तो अभी हमारे पास दो एरर है, और यहाँ पे मैं जो काम करूंगा, यहाँ पे एक पार्ट, और ये जो हमारी क्लास, ये जो इसका नाम होगा यूजर मॉडल, यूजर
यूजर जो फाइल का नाम होगा यूजर मॉडल डॉट जी डॉट डॉट, ये मैं दे दूंगा, ये जो हमारी इसका फाइल का नाम होगा, ये यूजर मॉडल। मैं इसको मैं एक दफा कंफर्मेशन के लिए जो है मैं रीफैक्टर के अंदर आ जाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे मैं इसको ये पूरे को कॉपी करूंगा और इसको कर दूंगा कैंसिल। और यहाँ पे मैं मॉडल डॉट जी लगा दूंगा। अब ये डॉट जी क्या करेगा, हमारे लिए एक नई फाइल जो है वो जनरेट कर देगा। सेम एज इट इज को मैं एक दफा कॉपी करता हूँ और ये वाली चीज को मैं हमारे कंपनी के अंदर मैं फेंकता हूँ। ओके, यहाँ पे ये यूजर मॉडल नहीं आएगा, कंपनी मॉडल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये हमारे लिए इशू ना हो, कंपनी मॉडल। और यहाँ पे मैं यूजर मॉडल के बजाय कंपनी मॉडल में पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा कंपनी मॉडल में मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं एट जेसन सीरियलाइजेबल, सिंपल, और वही चीज ही हमारी पार्ट। और ये जो कंपनी मॉडल है इसको मैं करूंगा रिफैक्टर और रीनेम, और यहाँ पे ये मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं कैंसिल, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा डॉट जी डॉट डॉट, ये मेरा इतना काम हो गया। अब इसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि आप लोगों ने एक कमांड रन करनी है, वो आप लोगों ने क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद ये देखिए ये एग्जाम्पल जी डॉट डॉट वो उन्होंने बताया हुआ है हमने सारा कि क्या करना है। इसके बाद मैं करूंगा रन डॉट बिल्ड रनर। अब बिल्ड रनर का जो पैकेज है और डायरेक्टरी है ये मैं अभी हमने भी इंस्टॉल नहीं की। अब मैं क्या करूंगा, गूगल पे बिल्ड रनर फ्लटर सर्च करूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पैकेज आ जाएगा। इसको इंस्टॉलेशन में आना है और ये क्या करना है, हमने बिल्ड रनर को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली पब HTML के अंदर और जेसन सीरियलाइजर के नीचे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा पब गेट। एकदम मैं पब गेट करूंगा तो वो मेरा सारा इसका जो बिल्ड रनर का है वो सारा डाटा जो है गेट कर लेगा। ओके, बिल्डर रनर का डाटा इसने गेट कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और हमारा जो टर्मिनल है मैं वो ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैंने सिंपली वो ही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है जेसन, यहाँ पे हमें कमांड दी भी हुई है कि डॉट रन बिल्ड रनर बिल्ड, इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ओके पब स्पेक टी एम एल। ओके, वेयर इज द इशू, इशू जस्ट अ सेकेंड डॉट आई थिंक टू रन पैकेज रन, रन डॉट बिल्ड रनर इस तरह करके ये कुछ डॉट गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट फीचर स्टैटिक डोंट नॉट सेंड बेसिक क्रैश अलर्ट द डाटा इज यूज्ड टू हेल्प टू इंप्रूव डिसेबल्ड रिपोर्ट एनालाइजिंग रन। इसके साथ कोई तलक नहीं जी, अब वो रन को मैंने जस्ट अ सेकंड रन बिल्ड रनर इसके कोई कमांड इसको हमने एग्जीक्यूट तो करना है लेकिन क्यों नहीं हो रही ये नहीं समझ आ रही। रन इज नॉट रिकनाइज्ड बिल्ड रनर, द इशू वेयर इज द इशू विद द फ्लटर पैकेज, इसको हम कॉपी करते हैं ओके विद डॉट पैकेज विद फ्लटर पैकेज, वो फ्लटर वाला वो सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और अब हमारा ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और एक चीज मैं मोस्टली क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों के नल सेफ्टी इनेबल नहीं है तो ये चीज काम नहीं करेगी, आप लोग इसके लिए आपको नल सेफ्टी लाजमी इनेबल करना पड़ेगा।
अब ये देखो, वो जनरेटिंग खुद ब खुद स्क्रिप्ट वो सारा खुद ब खुद ही कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो सारे लिए, हमारे लिए खुद ब खुद ही वो सारी मॉडल क्लास बना देगा और खुद ब खुद ही सारा कुछ सेट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो एक दफा ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमारा ये वाला जो एरर्स है वो भी चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली गॉन हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सक्सेसफुली जो है क्रिएटेड, उसने कर दिया सारा कुछ कर दिए। अब मैं यहाँ पे आके आपको मैं डिस्प्ले में करवाता हूँ, ये देखें, ये मॉडल क्लासेस को क्लोज करके ओपन करता हूँ, ये हमारा एरर्स चले गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बस मॉडल क्लासेस हो जाओ, क्या इशू है, हायर्स मॉडल्स। ओके तो हम यहाँ से चले जाते हैं, मैं इसकी ये जो कंपनी कंट्रोल सी, नहीं यहाँ पे से भी नहीं जा रही, वेयर इज, क्या इशू है, क्यों नहीं जा रहे। ओके तो मैं सिंपली इसको एक दफा ना हमारे प्रोजेक्ट को करता हूँ क्लोज, टर्मिनेट करता हूँ एक दफा, ताकि वो थोड़ा सा मैं डिस्प्ले हो। इसको भी मैं एक दफा, ये जो मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो मैं क्लोज करता हूँ, ये इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये देख, वो थोड़ा सा इसको स्कैन करने में इसको इशू आ रहा था, मैं जूम इन कर देता हूँ। तो ये देखिए, उसने हमारी कंपनी मॉडल डॉट जी, उसने वो सारी मॉडल क्लास जो है हमारे लिए बना दी, और यहाँ पे ये जो चीज़ है यूज़र डॉट मॉडल, यूज़र डॉट मॉडल डॉट जी, तो उसने ये भी हमारे लिए क्या काम कर दी, ये बना दी। ओके इतना हमारा काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ, वेयर इज आवर सर्वर, ये रहा हमारा सर्वर। अब मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हमारा, उसको हिट करने के लिए यहाँ पे, अब हमारे पास, मैं लेट्स सपोज यूजर मॉडल, एंड वही सेम यूजर मॉडल इज इक्वल टू यूजर मॉडल, ये नहीं, डॉट फ्रॉम जेसन करूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और सेमी कॉलम, स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पेरीमीटर टाइप ऑफ डायनेमिक। ओके ये मैं कुछ एक एरर दे रहा, कहते वो द मैप डायनेमिक, अच्छा द आर्गुमेंट स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पेरीमीटर ऑफ, ओके वेयर द इशू, द पेरी द स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग कांट असाइन टू द पेरीमीटर टाइप ऑफ मैप डॉट डायनेमिक, अच्छा जी वो स्ट्रिंग बोल रहा है, इसको नहीं आप कर सकते, इसको मैं यहाँ पे पास करूंगा जेसन, जेसन डीकोड, वो एक इनकोड था, ये यहाँ पे मैं डीकोड करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, होपफुली अभी हमारा एरर चला जाएगा। ठीक है, अभी हमारा एरर चला गया, एरर चलने के बाद अब मैं इसको एक दफा करता हूँ हॉट रीलोड, हॉट रीलोड करूंगा, मुझे 100% डैम श्योर के हमें एरर्स देखने को मिलेंगे। अगर ना मिले तो मुआवजा हो जाएगा, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, फिर हम उन एरर्स को देखेंगे कि हम वो इसको किस तरह हम टैकल करेंगे। और इसके बारे में आप लोगों को एक वेबसाइट भी बता दूंगा, वो सिंपली बहुत इजी वेबसाइट, आपने जस्ट जेसन को कॉपी करना और पेस्ट करना है, वो आपका काम कर देगी। जी तो ये देखें, ये हमें बिल्कुल, मुझे इसी की उम्मीद थी, वो बोल रहा है कि आपकी जो लिस्ट डायनामिक है इज नॉट सब टाइप ऑफ मैप, मतलब आप जो डेटा दे रहे हैं वो एक मैप की फॉर्म है, आपने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें यार, वो इस तरह नहीं काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको सिंपली एक काम करता हूँ, कॉमिट आउट कर देता हूँ, कॉमिट आउट करने के बाद यहाँ पे एक तो मैं ले लेता हूँ ना बार जो है हमारा जेसन रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं जेसन डॉट डिकोड करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली चले कर देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैं लूंगा लिस्ट,
एक लिस्ट की फॉर्म में होगा, और वो क्या होगा, यूजर मॉडल। मेरे पास यूजर मॉडल की लिस्ट आ गई, अब मैं यहाँ पे रखूंगा लिस्ट यूजर मॉडल, जो भी वेरिएबल का नाम रखना है वो रख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इक्वल टू करने के बाद अब मैं यहां पे लूंगा लिस्ट, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास यूजर मॉडल, डॉट करके मैं यहां पे करूंगा फ्रॉम, वो हमें सजेस्ट नहीं करेगा लेकिन मैं करूंगा। यहां पे करने के बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तो वो हमारा इश्यूज चला जाएगा। अब ये डॉट फ्रॉम क्या करता है, इसके अगर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जाऊं तो वो क्या करता है, फैक्ट्री लिस्ट डॉट फ्रॉम, यहाँ पे वो जो हमारी लिस्ट होती है जो मैप के फॉर्म में डाटा होता है उसको अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन अ लिस्ट फ्रॉम। अब फ्रॉम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन डी कोड, और इसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। एक तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एल कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो जाए। ओके, डॉट करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा मैप, और मैप में लिखने के बाद मैं यहां पे पास करूंगा जस्ट अ सेकंड। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैप और यहां पे मैं कुछ वैल्यू दूंगा, लेट्स सपोज मैं कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं एक्स, और यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे, मैं इसको यानी कि सिंपली ऐसे करूंगा डॉट यूजर मॉडल फ्रॉम जेसन, और यहां पे मैं पास कर दूंगा हमारा जो एक्स है। तो ये मुझे क्या करेगा, एज अ लिस्ट की फॉर्म में डाटा ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब मैं इसको मैं जरा हॉट रीलोड का, हॉट रीलोड नहीं बल्कि कंप्लीट रीस्टार्ट करके देखता हूँ, देखता हूँ कि मुझे ये एरर मिलता आया कि अब मुझे वो एरर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई न्यू एरर हो सकता है, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं है कि मुझे ये जो है दोबारा वो एरर देखने को मिले। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन अगर मैं ये डैम श्योर हूँ कि अगर आप ये मेरा लेक्चर एक दफ़ा कम्प्लीटली देख लेंगे, पिछले वाला जो एपीआई से रिलेटेड और ये वाला जो एपीआई से रिलेटेड है, आप लोगों को दोबारा कभी मॉडल क्लासेस बनाने में इशू नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले डाटा को अब हम करेंगे वापस रिटर्न भेजेंगे कि ठीक है भाई ये हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा फ्यूचर, और क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टाइप का एसिंक का फ्यूचर टाइप का होता है, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट, और लिस्ट कौन सी होगी, यूजर मॉडल। ओके, तो वो बोल रहा है कि ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ करें ना इसको नल, इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, वो नल टाइप का हो जाएगा। तो ये नल रिटर्न कर देगा, नहीं यहाँ पे यहाँ पे होगा। ओके, तो ये क्या कर देगा यहाँ पे, फिर एटलीस्ट अगर कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट वो नल रिटर्न कर देगा। अगर नल से बचना है तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरी चीज है इसको मैं करूंगा यहाँ पे से कट, और यहाँ पे मैं इस चीज को इसको बना लूंगा, ठीक है, और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद मैं यहाँ पे ये जो इक्वल है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे इक्वल टू, और वही सेम लिस्ट मॉडल। मॉडल करने के बाद यहाँ पे ये मैं इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छे वाली शक्ल में ले जाता हूँ, ठीक है, इफ, और इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा लिस्ट मॉडल, लिस्ट मॉडल और सेमी कॉलन। ओके, वेयर इज द इशू, ओके नॉन नॉन लेबल, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि आप इसको नल नहीं कर सकते। ओके, वेयर इज द इशू, ठीक है, आप वो इस चीज़ को हम इससे ही रहने देते हैं, मैं इसको कंट्रोल दे करता हूँ सबको। ये इस तरह कोई मसला नहीं जो है वो इसको हम, ये इशू आ रहा है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो बोल दूंगा कि ठीक है आप हमें जो है वो नल जो है वैल्यू वो रिटर्न करने की अलाउ कर दीजिए, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मैं मेन स्क्रीन के अंदर आ जाता हूँ। अब मेन स्क्रीन के अंदर आ गया, मेन स्क्रीन आने के बाद मैं सबसे पहले तो आपको जूम इन कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक मॉडल,
एक बनाऊंगा मैं जो है मॉडल क्लास बनाऊंगा, लिस्ट यूजर मॉडल, लिस्ट यूजर मॉडल क्योंकि वो हमारे पास लिस्ट होगी, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन इसको लगा दूंगा ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार तुम ये एक दफा लिस्ट को मैं बोल देता हूँ कि तुम एक दफा एम्प्टी रहो, कोई मसला नहीं है मुझे, इस तरह कर दें ये इसको एक दफा इस तरह रहने दें, कोई मसला नहीं। ओके तो ये एक मेरी लिस्ट होगी, लिस्ट यूजर मॉडल, और इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, दो लिस्टें ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए एक डिस्प्ले के लिए ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ डॉट बिल्डर, मैंने आपको पहले बताया था ये बिल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बिल्डर में कन्वर्ट होगा तो ये चिल्ड्रंस नहीं होंगे यहाँ पे, ये इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको कुछ चाहिए होगा वो हम दे देते हैं आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर के बाद हम यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न में मैं वो चीज सेट कर दूंगा, रिटर्न हो गया ओके, और यहाँ पे भी इसको चाहिए होता है आइटम काउंट, आइटम काउंट के अंदर मैं क्या कर दूंगा लिस्ट यूजर मॉड बल्कि डिस्प्ले लिस्ट, वेयर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके ये सॉरी ये भी स्मॉल आ रहा था, वेरिएबल का नेम जो स्टार्ट हमेशा स्मॉल कैपिटल स्मॉल वर्ड से होता है, यूजर मॉडल डॉट लेंथ, लेंथ करूंगा वो मेरा एरर चला जाएगा। अच्छा जी नॉन लेबल है, वो बोल रहा है कि आपने नॉन लेबल की इसको असाइन करें या कुछ भी करो, वो हम कर लेते हैं भाई, वो ये जो है बेफिक्र रह जाए, इसको मैं प्लस करता हूँ और ये ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वर रिक्वेस्ट डॉट देन, जब तक हमें वैल्यू नहीं आती तो आप देन, और ये इस चीज को मैं ऐसे कर दूंगा ओके। अब मैं क्या करूंगा प्रिंट करूंगा, ओ सॉरी लिस्ट वेयर इज द लिस्ट, वेयर इज द लिस्ट ओके, तो इसको हमने गलत जगह पे रखा हुआ है, हमने इसको यहाँ पे रखना है विजिट्स के अंदर नहीं रखना ठीक है, वो देखें यहाँ पे अब मुझे एरर दे रहा है, इनको मैं लेट कर देता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ लेट, एक दफा लेट के साथ देखते हैं, लेट के साथ अगर एरर नहीं आया तो ठीक है, अगर आ गया तो फिर हम उसको देख लेते हैं। लिस्ट यूजर मॉडल इज इक्वल डॉट एड ऑल करूंगा तो मैं वैल्यू जो मेरे पास जो वहां से रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो भी मैं वैल्यू इसके अंदर पास कर दूंगा, कि यहाँ पे क्या वैल्यू एड नल चेक, सिर्फ नल चेक लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ ना तो वो बोल रहा है कि लिस्ट यूजर मॉडल की आ रही है वो मेरे पास लिस्ट, जो नलेबल भी हो सकती है ठीक है। ओके तो यहाँ पे एक तो ये इसके करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सेट स्टेट, जब वो डेटा उसके पास आ जाए तो सेट स्टेट क्या करो डिस्प्ले यूजर मॉडल इज इक्वल टू लिस्ट मॉडल, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ सेट स्टेट के अंदर, इसको भी मैं कहेंगे वो अवेट करने के बाद जब डाटा आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा सेट स्टेट कर देगा, इसको इस तरह भी कर सकते हैं या मैं इसको ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, बोलता हूँ जब डाटा आए तब मुझे तुम इसको सेट स्टेट कर दो ओके। एक तो हमारा वो काम हो गया, अब सेकेंडली यहाँ पे मैंने नेम डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूंगा डिस्प्ले मॉडल यहाँ पे पास करूंगा इंडेक्स, उस इंडेक्स के अगेंस्ट डॉट यूनेम जो यूजर नेम है वो डिस्प्ले करवा दो, और ये चीज मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं फेंकता हूँ, तो ये चीज और यहाँ पे यूनेम की बजाय मैं बोल देता हूँ कि आप मुझे ईमेल इसका डिस्प्ले करवा दो और कुछ नहीं ओके, मुझे एरर आ रहा है वेयर इज द एरर, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा क्योंकि वो रिटर्न टाइप है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, अब देखते हैं कि अब हमें एरर देखने को मिलता है कि हमारा काम हो चुका है,
ओके जेसन, ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट इनिशियलाइज, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी। हम इसको लेट नहीं करेंगे, हम इसको एक दफ़ा बोल देते कि ठीक है आप जो है ना ये नल सेट हो जाओ, कोई मसला नहीं है, हम बाद में हमारे पास डाटा जो है वो आ जाएगा। मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनेट। ओके लेंथ एड नल चेक, जी ये लेंथ, यहाँ पे भी नल चेक लगा देते हैं और यहाँ पे भी, क्योंकि वो हमने उसको स्टार्ट में उसको हमने इसको नल सेट किया हुआ है, तो इसलिए वो हमें बोल रहा है कि ठीक है आप इसके एटलीस्ट एक नल चेक लगाओ कि ये वैल्यू नल नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नॉट की बजाय अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो वो वैल्यू नल भी एक्सेप्ट करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं क्या होता है। इशू नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू, जी बिल्कुल वो हमें बोल रहा है कि आपने जो नल वैल्यू है उसके अंदर आपने नल चेक ऑपरेटर यूज किया हुआ है। ठीक है, हम इसको एक दफा कॉमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट वैल्यू। ठीक है, एक तो मैं ये काम करता हूँ, डीबग करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं एटलीस्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। और तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं जरा इसको मैं करता हूँ प्रिंट रीलोड। ओके तो ये देखिए मेरे पास डाटा आ गए, डाटा आ गए, लेकिन जो है ना वो काम नहीं कर रहा। ओके वेयर इज फ्लटर, ओके दिस इज नल 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 नल, क्यों है भाई नल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है देखते हैं हमने ये जो काम किया है ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। ओके वो यही बोल रहा है कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। यार यहाँ पे ना मैं इसको ये वैल्यू उसके बोल रहा है नल आ रही है, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 0। अब मैं इसको देखता हूँ, ओके टर्मिनेट हो जाओ एक दफा, टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे आ जाओ। ठीक है ओके नल चेक अनहैंडल, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू, कहाँ पे यूजर मॉडल डॉट एड ऑल, ये जो है वैल्यू नल आ रही है, हमें नल नहीं आनी चाहिए थी वैसे। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं कह देता हूँ वैल्यू। अब वो हमें वैल्यू क्यों नल आ रही है इसको हम देख लेते हैं, क्या इशू है कि क्यों हमें वो वैल्यू नल मिल रही है। यहाँ पे ये मैं आइटम काउंट 2 कर देता हूँ ताकि वो हमारा एटलीस्ट डिफॉल्ट में एबीसी जो है वो डिस्प्ले कराया था और हमें पता चल गया। और जो ओके डिफॉल्ट हमें वो डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन ये लॉग फाइल मुझे चाहिए, लॉग फाइल नहीं देता यार, बड़ा गंदा है। ओके यहाँ पे रिस्पॉन्स, जी तो हमें नल मिल रहा था, हमें नल मिलना चाहिए था।
क्यों मिल रहा था कि मैंने यहाँ पे एक गलती की थी। रिटर्न लिस्ट यूजर मॉडल को मैंने रिटर्न ही नहीं किया था भाई, मैंने रिटर्न ही नहीं किया था, उसने मुझे नल देना ही था। अब मैं मेन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं वही डिस्प्ले यूजर मॉडल डॉट लेंथ करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ नल चेक। अब मैं देखूंगा इसके बाद, अब देखना हमारा काम हो जाएगा। ओके, नल चेक वैल्यू वही सेम एज इट इश्यू गई, आप लोग नल चेक वैल्यू जो है वो उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम हमारे पास नल चेक वैल्यू गई। क्या मसला है, क्यों कर रहे हो यार इस तरह? से अच्छा नहीं लगता यार। इसको मैं करता हूँ एक दफा टू और ये मैं कर देता हूँ इसको टर्मिनेट। अगेन मैं इसको करता हूँ रीलोड सर्वर जी। बिल्कुल, अब यहाँ पे ये मेरी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। मैं मेन स्क्रीन पे आता हूँ और देखता हूँ मुझे क्यों इशू आ रहा है। इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैंने ये भी देखना है कि वो मुझे वैल्यू सेट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो लेट से देर से रिप्लाई दे रहा है, जिसका भी मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बताया हुआ है। हम वो फ्यूचर बिल्डर यूज़ करेंगे, उसके साथ मैं भी इसको रैप करके आपको मैं दिखाता हूँ। बस एक दफ़ा मेरे पास डाटा जो है वो सारा गेट हो रहे, लिस्ट स्टाइल के अंदर ये थोड़ा सा इशू आएगा आपको बिल्डर के अंदर, तो इसको आप किसी ना किसी तरीके से जो है वो टैकल करेंगे। स्कैनिंग ओके, क्या मसला है? ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो मुझे डाटा तो उसने सारा दे दिया लेकिन यहाँ पे वो वैल्यूज जो है वो मेरी सेट स्टेट नहीं कर रहा। ये देखें, ये इसने मुझे इंस्टेंस ऑफ यूजर मॉडल, यूजर मॉडल, इंस्टेंस ऑफ यूजर मॉडल, इंस्टेंस ऑफ यूजर मॉडल, ये इसने मुझे सारी लिस्ट रिटर्न कर दी है लेकिन वो मुझे नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे पहले हम अपने इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्ट्रीम बिल्डर, स्ट्रीम बिल्डर को हम यहाँ पे ये मैं रिमूव करके कर देता हूँ फ्यूचर बिल्डर, फ्यूचर बिल्डर आ जाएगा और यहाँ पे मैं स्ट्रीम बिल्डर की बजाय इसको चाहिए होता है फ्यूचर बिल्डर और ये फ्यूचर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो है, मेरे पास ये जो वैल्यू है यूजर रिक्वेस्ट सर्वर में वो कॉल कर दूंगा, यूजर रिक्वेस्ट सर्वर। तो वो क्या करेगा, उतनी देर जब तक हमारे पास डाटा नहीं आता इसको वेटिंग में लगा के रखेगा। लेकिन वो कैसे लगा के रखेगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये इस फ्यूचर इसको मैं करता हूँ ऐसे और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट अ न्यू स्क्रैच फ्रॉम सेट। नहीं, ये करता हूँ मैं, यस अंडू, ओके ठीक है। इसको मैं करता हूँ ये स्नैपचैट है, ओके हाँ ये इफ स्नैपशॉट डॉट हैज एरर तो क्या करे, ये रिटर्न कर दे एरर, होपफुली द स्ट्रिंग कांट। अच्छा, यहाँ पे इसको विजिट चाहिए होता है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इट हैज एरर, इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट और इसको मैं रैप कर दूंगा सेंटर के अंदर। ओके, एरर वाला पल के काम में रहने देते। स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा है तो क्या करो, इसको मैं करता हूँ कैंसल आउट, इसको यहाँ पे मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या करो, एल्स के अंदर आओ जरा और यहाँ पे मुझे रिटर्न कर दो सेंटर और यहाँ पे मैं चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सिंपल और कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो चुकी है तो आज ही मैं इसको अभी वाइंड अप करना चाहता हूँ, बाकी नेक्स्ट किसी पार्ट में इसको आप देख सकते हैं। ओके, वेयर इज द एरर, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एग्जीक्यूट। आप देखते हैं आप क्या होता है हमारे पास, अब होपफुली हमारे एरर्स जो है वो चले जाएंगे।
तो ये डाटा जो है वो तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पे हमें डिस्प्ले में नहीं दे रहा, और डिस्प्ले में हमें क्यों नहीं दे रहा ये देख लेते हैं। ओके, लिस्ट और डाटा, ऐड ऐड हम नहीं करते यार, इसको हम मैं कर देता हूँ सेट स्टेट। इक्वल टू वैल्यू, बस और कुछ नहीं करूंगा, ये वैल्यू जो है ना वो उसको सेट स्टेट कर दो, मेरा काम कर दो। डाटा नहीं आता जब तक। ओके, तो ये देखे वो उसने लोडिंग की, और उसने क्या कर दिया, जब मेरा डाटा आया उसने वो सारा हमें डिस्प्ले में दिखा दिया। तो आज के लिए मैं इतना, अब जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक टास्क होगा, टास्क तो नहीं मैंने बोला था, मैंने कहा वो चीज़ परफॉर्म करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो लेंथी होने की वजह से मैं इसका एक थर्ड पार्ट जो है मैं वो बना दूंगा, इसी वीडियो का जो एक सब पार्ट होगा मैं वो बना दूंगा। तो तब तक जब तक उसका पार्ट नहीं आता, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि आप लोगों ने इसका डाटा जो है वो अगली स्क्रीन पे पास करना है, पास करके इसकी पूरी डिटेल, जितनी भी डिटेल वो हमने डिस्प्ले में देनी है, वो आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों पे है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ आप लोग ये इसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं यूजर मॉडल डॉट, एक चीज मैं आप लोगों को डिस्प्ले करा देता हूँ, कंपनी मॉडल डॉट, यहाँ पे मैं कंपनी का नेम जो बी एस है मैं सिर्फ एक दफा वो डिस्प्ले करवा देता हूँ। ओके, वो उसको मैं बोल देता हूँ कि ठीक है आप नेल चेक जो है वो ऐड कर दो, मैं देखता हूँ कि वो कंपनी का मॉडल भी हमारा डाटा वो डिकोड कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने बस वो एक दफा कंफर्म करवाना है आप लोगों को। ओके, तो ये देखिए उसने कंपनी का डाटा जितना भी है वो मेरा सारा डिकोड करके दिखा दिया। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप लोगों पे है कि मैं किस, लेट्स सपोज मैं इस पे टैप करता हूँ, वो एक अगली स्क्रीन पे जाए और अगली स्क्रीन पे इसका सारा जितना भी डाटा हमने लिया है वो सारा डिस्प्ले करवा दे, ये आप लोगों पे है, नहीं तो इसका मैं एक थर्ड पार्ट बना दूंगा, उसके अंदर वो हम इस तरह डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, 1 घंटे का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इतना लंबा वैसे नॉर्मल लेक्चर नहीं होता, लेकिन ये मैं 100% डैम श्योर हूँ कि आप लोगों का इसके बाद मॉडल क्लास में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर आप ये पूरी मेरे पहला पार्ट वन और पार्ट टू इसका एक आप लोग देख लोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया kindly सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों को मेरा लेक्चर देख के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।